हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर 1 to 5, चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, क्लास 8, CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर 8 के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर 1 to 5 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट, हमें स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अगर हमने चैप्टर को ध्यान से केयरफुली स्टडी किया है तो हम इन स्टेटमेंट को इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ए वन सेल्ड बॉडी। कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है। सो क्या लग रहा है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है? यस, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है, मसल सेल आर ब्रांच्ड। कि जो हमारी मसल सेल होती हैं वो उनकी जो शेप है वो ब्रांच्ड शेप होती है। यस, ट्रू। नेक्स्ट है, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। कि लिविंग ऑर्गेनाइजम की जो बेसिक लिविंग यूनिट है उसे ऑर्गन कहा गया है। क्या लग रहा है स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। रीजन पता होगा आपको कि ऑर्गन नहीं बल्कि क्या है, यह सेल है। अमीबा हैज एन इरेगुलर शेप। कि अमीबा की जो शेप है वो इरेगुलर होती है, यानी उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या है स्टेटमेंट? ट्रू। सो स्टूडेंट, इस तरह से स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ कर करनी है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मेक ए स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। ह्यूमन नर्व सेल का एक स्केच तैयार करना है। व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। और ये हमारी नर्व सेल क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, इनका क्या फंक्शन है। तो नर्व सेल का फिगर आपको ड्रा करना है, जिसे आप बुक में से भी देखकर फिर ड्रा कर सकते हैं। और फिर इसका फंक्शन बताना है कि फंक्शन ऑफ नर्व सेल, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेज। कि हमारी बॉडी में मैसेज को रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। कि नर्व सेल हमारी मसल सेल हैं, पूरी बॉडी में फैले होते हैं, ये पूरी बॉडी के मैसेज को ब्रेन तक, ब्रेन क्या करता है, उनको रिसीव करता है और फिर ब्रेन से जो अटैच है नर्व सेल पूरी बॉडी तक उन मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। इन पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है 2 or 3 लाइन्स में। साइटोप्लाज्म क्या है? द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। किस फ्रेंड, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का मटेरियल है, और इसमें कुछ अदर कंपोनेंट्स, अदर पार्ट्स भी हैं इसके जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि लिविंग सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेल के सेंटर में होता है और साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, सेपरेट करने में हेल्प करती इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसकी जो बाउंड्री है न्यूक्लियस की वो इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गनल्स। कि सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो किस पार्ट में कंटेन होते हैं। सो साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट अदर कंपोनेंट जो होते हैं ऑर्गेनल्स कहलाते हैं,
वो साइटोप्लाज्म पार्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर से स्केच बनाने हैं। मेक स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंसेज बिटवीन देम। एनिमल एंड प्लांट सेल को बनाने के लिए आप अपनी बुक में ये फिगर आपका दिया गया है, वहाँ से देखकर भी इजीली बना सकते हैं। और लेबल लगाने हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। और फिर इनके 3 डिफरेंसेस बताने हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस हैं। डिफरेंस बताते इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, जैसे प्लांट सेल का फर्स्ट पॉइंट और एनिमल सेल का फर्स्ट पॉइंट। कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री इज ए सेल वॉल, कि आउटर मोस्ट यानी कि जो बिल्कुल बाहर की बाउंड्री है उसे सेल वॉल कहा जाता है। और एनिमल सेल में क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री इज ए सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर एक बाउंड्री है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। सेकेंड है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड यानी जो कलर बॉडीज हैं वो भी हैं, बट प्लास्टिड्स आर अब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये अब्सेंट होती हैं। थर्ड डिफरेंस स्टूडेंट, लार्ज वॉक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो ब्लैंक स्पेस है वो लार्ज होता है साइज में, और जबकि एनिमल सेल में नो और वेरी स्मॉल वॉक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो वॉक्यूल्स हैं या तो वो स्मॉल होते हैं साइज में या फिर होते ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1-5 अपनी फिर नोटबुक में राइट करने हैं और इन्हें समझ कर लर्न करना है स्टूडेंट। अगर आप समझ कर लर्न करोगे तो वो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं, कभी भी उन चीज़ों को हम नहीं भूलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।